येस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्स बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो गाइज यू हैव कम्पलीटेड योर एफ आर का पेपर ए एफ एम का पेपर कम्प्लीट हो गया ना नेक्स्ट इज ऑडिट एंड आफ्टर ऑडिट देर इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सी पेपर पेपर नंबर फोर बट इस बार डी टी में आपको वन डे का लीव है बट आप देखोगे ऑडिट में आपको थ्री डेज का लीव है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि days, है आपको एक दिन डायरेक्ट करना चाहिए क्योंकि का पेपर बहुत है. फिर आप इंडायरेक्ट देखोगे तो इंडिशियंट लीव सो डोंट वरी अबाउट के लिए आपको वन डे यूटिलाइज करना है फ्रॉम द ऑडिट का जितना छुट्टी है जितना ऑफ है लीव है उसमें से आपको यूज करना है तो देखिए आज आपने एफ एम का पेपर दिया नाउ नेक्स्ट इज ऑडिट बट ऑडिट के बीच में आपको थ्री डेज का लीव है तो मेरा मानना यह है कि आज का दिन एंड कल का दिन मिस टूडे एंड टुमोरो यू शुड यूटिलाइज फॉर द डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्ट टैक्स के लिए यूटिलाइज कर दो लेकिन आपका डाउट ये रहेगा कि सर हम ये वन एंड हाफ डेज जो डी को देने वाले हैं सर उसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करें तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यह रहेगा कि आप एक काम करिए प्रैक्टिकल टॉपिक कंप्लीट करिए बिकॉज प्रैक्टिकल क्या रहता है ना आपको याद रह जाता है बट इफ यू डू द दरी अगर आप थ्योरी किया या जैसे असेसमेंट प्रोसीजर आपने उठा लिया तो वो जब डायरेक्ट टेक्स का पेपर होगा तब तक याद रहेगा या नहीं रहेगा तो उसके उससे बेटर यह है कि आप प्रैक्टिकल टॉपिक है वो कंप्लीट करिए मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता तो मैं आज के दिन क्या करता आज एंड कल टुडे एंड टुमारो जो है ये मैं यूटिलाइज करता ये ये प्रैक्टिकल टॉपिक कंप्लीट करने के लिए तो आप एक काम करिए कैपिटल गेन को कंप्लीट कर लीजिए फटाफट आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये डिविडेंड डीम डिविडेंड लिक्विडेशन अमल कमीशन एंड पीजीबीपी एंड पीजीबीपी यहां तक अगर आप से पॉसिबल है टू से लेके सेवन तक है इफ इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट टूडे एंड टुमोरो जस्ट डू इट यार

बिकॉज बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है जब अपने पास ज्यादा टाइम होता है ना तो अपन बहुत ज्यादा आराम से करते हैं और बोलते हैं कर लेंगे कर लेंगे वैसा करके अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं लेकिन एक चीज ध्यान रखना जितनी आपने मेहनत लास्ट के सिक्स मंथ में की है दिस इज द टाइम जब आपको उसको फ्रूट मिलने वाला है आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है तो आप अपने आपको

आर आरटीपी तो जो आपकी एम है फॉर द मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एग्जाम एंड आर फॉर द मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एग्जाम आपको करके जाना है एंड गाइज आर में है ना देर वेरियस अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है और RTP का में like, आपको आपको पे पे उसका मिल जाएगा अगर कहीं पे आपको MCQ में डाउट आता है है तो वहां से देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को MTP, जो सीरीज मार्च वाला एंड अप्रैल वाला बहुत सारे बच्चों को उसमें MCQ में डाउट आते हैं तो मैंने क्या किया वो MCQ को सोल्व करके ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है तो टेलीग्राम ग्रुप देखोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द एम टी आपको वहां से मिल जाएगा तो गाइस आप लोगों का ये स्ट्रेटेजी रहना चाहिए ये आज का दिन कल का दिन है आप यू शुड यूटिलाइज फॉर द प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स है वो आप कंप्लीट करिए फिर आप ऑडिट पर ये दो दिन दो दिन ऑडिट सफिशियंट है और उसके बाद में फिर वापस आपका डीटी का पेपर रहेगा तो वन एंड हाफ डेज है वो आपको फिर डीटी पढ़ना है उसके साथ साथ में मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लॉज का लिस्ट दे रखा है गाइज यहाँ पे मैंने आपको ट्वेंटी फाइव केस लॉज है वो सेलेक्ट करके दे रखे है दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन और मुझे लगता है इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है सो देर इज ट्वेंटी फाइव केस लॉज का लिस्ट है वो आपको देखना है उसके साथ साथ में गाइस मैंने यहाँ पे एक सुपर 18 क्वेश्चन बना के दिए हैं सुपर 18 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये 18 नंबर क्वेश्चन है ये बेसिकली इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन नहीं है ये बेसिकली आपका एटी डबल जे डबल ए से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक है चलिए उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं ना एक और क्वेश्चन मैंने ये इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह का ले रखा है काफी अच्छा क्वेश्चन है उसके बाद में मैंने ट्रांसफर प्राइजिंग से आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफर प्राइजिंग में रेंज कॉन्सेप्ट आ सकता है तो मैंने यहाँ पे रेंज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वो आपके लिए लिया है इन द सुपर एटीन क्वेश्चन रेंज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा उसके बाद में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ ना दैट इज द अमेंडमेंट से रिलेटेड था जो मैंने लिया था एंड दैट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो सिक्स क्वेश्चन नंबर आप सिक्स देखेंगे ना दिस सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स या गाइस प्लीज आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स को आप बहुत अच्छे से करिएगा ये क्वेश्चन नंबर सिक्स वन वन फाइव बी एस सी का जो अमेंडमेंट है वो भी कवर करता है एंड उसके साथ साथ यू नो दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ है

जो सी इंस्टीट्यूट ने दे रखा है ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है बट आई फील दैट फाइनल में आ सकती है ऐसी बहुत सारी चीजें बिकॉज दिस इज द अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट है तो सीए फाइनल में भी आ सकता है और मैंने ये सुपर एटीन क्वेश्चन जो बनाया है उसमें मोस्ट ऑफ अमेंडमेंट कवर करने की कोशिश की है ठीक है चलिए तो मैंने आपको आज का जो ये सेशन था इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपको कैसे अभी ऑडिट के पहले आपको जो इतना तीन दिन का टाइम मिला है उसको कैसे यूटिलाइज करना है वन डे यू शुड गिव फॉर द डायरेक्ट टैक्स बाकी के दो दिन है वो आप ऑडिट के लिए दीजिएगा एंड उसके बाद में आपको कैसे पढ़ना है सो so, बाकी रिविजन लेक्चर्स वगैरह है आरटीपी का लेक्चर है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है यू कैन फॉलो दैट बाकी आपको बुक में जो दे रखा है उससे आपको पढ़ना है एंड बी कॉन्फिडेंट अच्छे से कॉन्फिडेंट रहो एक बात बता दूं इस बार के पेपर जो है वो अच्छे आएंगे इस बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है

थोड़ा सा और पुश कर लो और आराम से आप पास हो जाओगे तो ये आपका स्ट्रेटेजी फॉलो कैसे करना है तो आपको क्या करना है अभी जो टाइम है उसमें से कुछ टाइम आप डीटी के लिए यूटिलाइज करिए एंड 1.5 डेज आपको जो मिलेगा उसमें आपको यूटिलाइज करना है सर वो 1.5 डेज जो हमको मिलेगा डीटी के लिए हमको क्या करना चाहिए क्या ये जितने भी प्रायोरिटी क्वेश्चन दे रखे हैं ये सब करने चाहिए अगर आप सब क्वेश्चन देख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है बट अगर आप इतना नहीं देख पाते हो तो जैसे सुपर थर्टी में जो क्वेश्चन है जैसे मैं बात करता हूं पीजीबीपी की तो पीजीबीपी में जो मास्टर क्वेश्चन है अगर आप ये मास्टर क्वेश्चन करते हो तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है और ये मास्टर क्वेश्चन मैं सुपर एटीन में भी दे रखा है और आपके कंपाइलर में भी दे रखा है सुपर एटीन में जो ये मास्टर क्वेश्चन दे रखा है उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट और डाला है जो कि आपको बता रहेगा फोर्टी बी में एच में वो एक अमेंडमेंट आया है जब आप स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को पे करते हो तो आपको सेक्शन 15 की टाइम लिमिट के अंदर अंदर पे करना रहेगा अदरवाइज वो एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउड हो जाएगा तो दैट वन अमेंडमेंट वन पॉइंट आई हैव आल्सो करके ठीक इन द मास्टर क्वेश्चन तो आप चाहे तो आप यहीं से कर सकते हैं सुपर एटीन में से ठीक है चलिए उसके बाद में आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये वाला फाइल हमको कहां पे मिलेगा ये वाला फाइल आपको टेलीग्राम पे दे रखा है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है दैट इज सी भवर बोराना जो कि वेरीफाइड चैनल है उस चैनल प्रैक्टिकल पार्ट कवर कर लीजिए और, तो और जब ऑडिट आपका हो जाएगा उसके बाद में फिर जो है वो आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड बाकी वाले जो टॉपिक्स है वो आपको देखने चाहिए ठीक है चलिए एंड एक और चीज मैं बताऊं सर क्या हमको लास्ट डे पे रिविजन लेक्चर या मैराथन लेक्चर वगैरह कुछ